इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया, और कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई, जिसमें संजय सिंह ने कहा कि सिसोदिया की गिरफ्तारी तानाशाही की इंतहा है। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा संजय सिंह ने कि सिसोदिया को फर्जी केस में गिरफ्तार किया गया है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को फर्जी केस में फंसाया जा रहा है, अगर घोटाला किया तो जेल जाना होगा, बीजेपी की तरफ से यह कहा गया। सिसोदिया को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, कल कोर्ट में सिसोदिया की पेशी होगी, और कल दोपहर कोर्ट में पेशी होने के बाद क्या कुछ दलीलें दी जाएंगी सीबीआई के द्वारा और उनके वकील के द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। सीबीआई मुख्यालय के बाहर पुलिस की तादाद भी बढ़ा दी गई है, जबरदस्त हलचल सीबीआई मुख्यालय के बाहर देखने को मिल रही है।